हेलो फ्रेंड्स, द डेली न्यूज़ अपडेट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। द डेली न्यूज़ अपडेट के आज के सेशन में हम लोग भारत में फॉरेस्ट कवर या वन आवरण की वर्तमान स्थिति तथा भारत में फॉरेस्ट कवर को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों और इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 पर चर्चा करेंगे। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आइए शुरू करते हैं। हाल ही में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में भारत में वन आवरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों पर बहुमूल्य जानकारी प्रदान की है। भारत में अगर हम वनावरण की बात करें तो भारत में वनावरण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हमें इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के द्वारा प्राप्त होती है। यहीं पर आपको बताते चलें कि फॉरेस्ट कवर का आकलन फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि देहरादून में स्थित है, के द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पर किया जाता है और इसका कंक्लूजन इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के रूप में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा जारी किया जाता है। ये याद रखिएगा, यह रिपोर्ट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा संकलित किया जाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा जारी किया जाता है। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 अब तक का 17वां द्विवार्षीय असेसमेंट है, या कह सकते हैं 2 वार्षीय रिपोर्ट है। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 देश के वन आवरण और वृक्ष आवरण की नवीनतम स्थिति, बढ़ते कार्बन स्टॉक का अनुमान, मैंग्रोव आवरण और बांस संसाधन का मूल्यांकन प्रस्तुत करती है। इस रिपोर्ट के की फाइंडिंग्स की अगर हम बात करें तो इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के नवीनतम आकलन के अनुसार भारत का टोटल फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर 809,537 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, जो कि देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% है। ये प्रतिशत याद रखिएगा, भारत का टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना है, तो वो कितना है, 24.62%। इसमें से फॉरेस्ट कवर 713,779 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल ज्योग्राफिकल एरिया का 21.71%। बाकी ट्री कवर कुल ज्योग्राफिकल एरिया का 2.91% है। तो ट्री कवर कितना है, 2.91%, और फॉरेस्ट कवर कितना है, 21.71%। ठीक, वहीं अगर हम 2021 के रिपोर्ट को 2019 के रिपोर्ट से कंपेयर करें तो हम पाते हैं कि 2019 के रिपोर्ट की तुलना में 2021 में फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में 0.28% की वृद्धि हुई है, जिसमें फॉरेस्ट कवर में इंक्रीज 0.22% और ट्री कवर में इंक्रीज कितना हुआ है, 0.76%। इसी को अगर हम एरिया के फॉर्म में देखें तो यह इंक्रीज लगभग 2261 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास हुई है। फॉरेस्ट कवर में हुई यह वृद्धि फॉरेस्ट कंजर्वेशन में किए गए पॉजिटिव एफर्ट्स को दर्शाता है। कहने का मतलब, फॉरेस्ट कवर में हुई यह वृद्धि फॉरेस्ट कंजर्वेशन में किए गए सरकार के पॉजिटिव एफर्ट्स को दर्शाता है। अगर हम भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, जिसके बाद क्रमशः
अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा महाराष्ट्र का स्थान आता है। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में फॉरेस्ट कवर का प्रतिशत सबसे अधिक है। उनमें मिजोरम राज्य में सबसे अधिक फॉरेस्ट कवर पाया जाता है। मिजोरम राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 84.53% क्षेत्र वनों द्वारा आच्छादित है, जिसके बाद क्रमशः अरुणाचल प्रदेश के 79.33% क्षेत्र पर, मेघालय के 76% क्षेत्र पर, मणिपुर के 74.34% क्षेत्र पर और नागालैंड के 73.90% क्षेत्र पर वनावरण पाया जाता है। फॉरेस्ट कवर में हाईएस्ट इंक्रीज की अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट कवर में हाईएस्ट इंक्रीज आंध्र प्रदेश में देखने को मिला, जिसके बाद तेलंगाना, ओडिशा, कर्नाटका और झारखंड में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली। वहीं पर अगर हम लॉस इन फॉरेस्ट कवर की बात करें तो फॉरेस्ट कवर में सबसे ज़्यादा लॉस नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स में देखने को मिला। सबसे ज़्यादा लॉस अरुणाचल प्रदेश में हुआ, जिसके बाद क्रमशः मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में फॉरेस्ट कवर में लॉस देखा गया। कहने का मतलब ये जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं इनमें डिफॉरेस्टेशन की रेट बहुत ज़्यादा देखने को मिली, जिसकी वजह से फॉरेस्ट कवर में लॉस ज़्यादा हुआ। विश्व में अगर हम मैंग्रोव कवर की बात करें तो ग्लोबल फॉरेस्ट असेसमेंट 2020, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2020 के अनुसार दुनिया भर के 113 देश में एस्टिमेटेड 14.79 मिलियन हेक्टेयर मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव एरिया एशिया में पाया जाता है, जिसके बाद क्रमशः अफ्रीका, नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका का स्थान आता है। अगर देश के अकॉर्डिंग बात करें तो टोटल मैंग्रोव फॉरेस्ट का 40% से ज़्यादा भाग केवल 4 देशों में पाया जाता है, जिसमें सबसे अधिक इंडोनेशिया में 19% पाया जाता है, जिसके बाद ब्राज़ील में 9%, नाइजीरिया में 7% और मैक्सिको में 6% पाया जाता है। भारत में अगर हम मैंग्रोव कवर की बात भारत में अगर हम मैंग्रोव कवर को देखें तो इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में मैंग्रोव कवर 4,992 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। वहीं पर अगर हम 2019 के डाटा से कंपेयर करें तो हम पाते हैं कि 2021 में मैंग्रोव कवर में 17 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अब आइए फॉरेस्ट कवर को बढ़ावा देने या प्रोत्साहित करने वाले सरकारी पहल पर चर्चा करते हैं, तो उसमें सबसे पहले शामिल है ग्रीन इंडिया मिशन। ग्रीन इंडिया मिशन की अगर हम बात करें तो यह मिशन 20 फरवरी 2014 को शुरू किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य वनावरण को बढ़ाना है। इस मिशन के तहत 12वीं पंचवर्षीय योजना में 6 से 8 मिलियन हेक्टेयर की वनावरण में वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। उसके बाद आइए देखते हैं नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम। नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम 2020 में लॉन्च किया गया था। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य नष्ट हुए वनों की पारिस्थितिकी बहाली और लोगों की भागीदारी के साथ वन संसाधनों का विकास करना था। यह प्रोग्राम अब ग्रीन इंडिया मिशन का हिस्सा है। कहने का मतलब नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम को ग्रीन इंडिया मिशन प्रोग्राम में
मर्ज कर दिया गया है। तीसरा इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है नगर वन योजना। नगर वन योजना यह वर्ष 2020 में शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य वर्ष 24-25 इसका लक्ष्य वर्ष 2024-25 तक शहरी और गैर शहरी क्षेत्र में 600 नगर वन और 400 नगर वाटिका बनाना है। इस पहल के उद्देश्य में हरित आवरण को बढ़ाना, बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करना और शहरी निवासियों के जीवन गुणवत्ता में सुधार करना शामिल है। चौथा इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड, या जिसे हम कैंपा के नाम से भी जानते हैं। यह एक्ट 2016 में पास किया गया था। इस एक्ट को कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन के लिए एकत्र किए गए धन के प्रावधान के लिए इनैक्ट किया गया था। कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे जब भी वन भूमि को माइनिंग या उद्योग जैसे गैर वन उद्देश्यों के लिए डाइवर्ट किया जाता है तो जो उपयोगकर्ता एजेंसी है वो गैर वन भूमि के बराबर क्षेत्र पर वन लगाने के लिए पेमेंट का भुगतान करती है। कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन का 90% पैसा राज्य के उपयोग के लिए तथा 10% केंद्र के उपयोग के लिए होता है। द डेली न्यूज अपडेट के आज के सेशन में इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी को करंट इशूज से जुड़े टॉपिक्स पसंद आ रहे होंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम जल्द ही विद एक्सप्लेनेशन अपलोड करेंगे। करंट इशूज से जुड़े ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।